हमारे बहुत सारे भाइयों को सऊदी, दुबई, कतर, ओमान जितने भी गल्फ कंट्रीज है उन सभी जगहों पर इंडियन पुलिस ने उन सबको पकड़ा है। और पकड़ने का क्या रीजन है वो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, जितने भी इंडियंस हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं और कांड करके सऊदी का वीजा लगा लिया, दुबई का वीजा लगा लिया, अरब का वीजा लगा लिया और सोचते हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, तो ऐसा मत सोचो। क्योंकि अब तक लगभग 26 लोगों को पकड़ा गया है, अभी आगे और भी लोगों को पकड़ा जाएगा। इन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं। अब इस तरीके का किसी ने भी कोई भी काम किया है, जैसे कि कोई अपनी वाइफ को बुरा भला बोलता है, या फिर जैसे कि मान लो कि अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, या फिर अपनी वाइफ के साथ कुछ गलत हरकत करके, जैसे कि कुछ भी होता है कि हम तुमको छोड़ देंगे, ये कर देंगे, उनकी वाइफ ने उनको कंप्लेन किया, इस तरीके का भी घटना बहुत सारा है। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, पूरे गल्फ कंट्रीज में। और कर रही है क्या, कर रही है क्या अपनी इंडियन पुलिस, उन सबको इंटरपोल पुलिस के जरिए पकड़ रही है। तो मैं आपके साथ न्यूज शेयर करना चाहूंगा। अगर इस घटना को आप जानना चाहते हैं, सही से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा लास्ट तक। अगर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके साथ इस तरीके कुछ भी होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर भी आप मुझे कमेंट में या कुछ भी ईमेल में शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने न्यूज रखना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं न्यूज, जो कि आप देखिए यूएई की तरफ से अपडेट दिया गया है। सीबीआई ने रेप करके भागा था यूएई, पकड़ के खींच लाई सीबीआई। तो यूएई में ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन है, इंडियन जी। सीबीआई इंटरपोल चैनलों के माध्यम से संयुक्त अरब इमीरात से बलात्कार के आरोपी मिथुन चंद्रन की वापसी का टाइम हो गया है, क्योंकि इनको सीबीआई ने इंटरपोल चैनलों के माध्यम से यूएई से घसीट कर ले आए, क्योंकि ये बलात्कार करके भागा था सऊदी अरब, सऊदी अरब नहीं, यूएई भागा था। इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था। एजेंसी एक अधिकारी ने कहा कि सीबीआई के ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर ने इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो अबू धाबी के साथ बातचीत किया। कर्नाटका पुलिस, भारतीय इंडियन एम्बेसी अबू धाबी और विदेश मंत्रालय की सब तरफ से रेड नोटिस भी जारी किया गया और उनको वापस आने के लिए भी कहा गया। लेकिन ये भाई साहब वापस कहाँ आने वाले, तो इंडिया से पुलिस की एक टीम भारत द्वारा लाया गया। उनके खिलाफ 20 जनवरी 2023 को इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। अन्य सदस्य देशों को प्रसारित किया गया था। इसके बाद वह संयुक्त अरब इमीरात में बैठा हुआ था, छिपा हुआ था। बता दूं अब तक 26 ऐसे अपराधी हैं जो कि इंडिया लाए गए हैं। देख सकते हो यहां पर लिखा है 2023 में 26 अपराधी इंडिया लाए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि इंटरपोल चैनलों के माध्यम से विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अच्छी खासी मीटिंग होती है, कार्रवाई होती है, इन सब पर इंडियन एम्बेसी भी हमारा साथ देती है, लेकिन अब तक 26 अपराधियों को हम विदेश से वापस ला चुके हैं इंटरपोल के जरिए। अगर आप कोई कांड करके सऊदी भाग रहे हो, दुबई भाग रहे हो, यूएई भाग रहे हो, 26 में सऊदी भी है, दुबई भी है, कतर भी है, ओमान भी है, हर जगह के पूरे गल्फ कंट्री से जो भी हमारे इंडियन बड़े बड़े कांड करके गए हैं, कोई किसी का हत्या करके गया है, कोई किसी का मर्डर करके गया है, कोई किसी को जेल में डाल करके निकल गया है और उनको मतलब कि वो हाजिरी नहीं लगा रहा है इंडिया में आकर के, इस तरीके का। इसीलिए कहता हूं, कभी भी बाहर देश का काम करवा रहे हो या बाहर रहते हो, अपने इन सब चीजों से दूर रहा करो। हम लोग सोचते हैं यार, अब देखो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हमें झगड़ा करने का मूड नहीं होता, लेकिन हमारे आस पड़ोस के पड़ोसी हमारे जो होते हैं ना, वो हमें झगड़ा में फंसा लेते हैं, इस तरीके का ये मामला। अब देखो ये तो भाई बलात्कार करके भागे, अब ये न्यूज़ सही है या गलत है? भाई ये न्यूज राइट है, बट ये बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, बट केस तो बना हुआ था, इंटरपोल के जरिए इनको नोटिस भी जारी किया गया, फिर भी ये इंडिया नहीं पहुंचे। अब आप कोई भी भयंकर से भयंकर कांड करके सऊदी, दुबई, कतर, ओमान बाहर भागते हो तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया की सीबीआई पुलिस, जैसे कि केजीएफ का वेट कर रहे हो ना, केजीएफ पार्ट वन देख लिए, पार्ट टू देख लिए, अब पार्ट थ्री बनने वाला है जो कि घूम रहा है, वो इंटरपोल के जरिए केजीएफ को, रॉकी भाई को पकड़ कर लाया जाएगा इंटरपोल के जरिए। तो सेम टू सेम वही मैं अभी आपको फिल्म में लेकर के गया हूं। अगर आप बड़ा से बड़ा कोई घटना करके गए हो तो आप अपना सावधान हो जाओ। अगर आपको नोटिस जारी होता है तो आपको इंडिया आ जाना है, इंडिया पे टाइम जो हाजिरी है वो पूरा कर लेना है, जो मसला उसको हल करो, बाहर देश का काम कर रहे हो बाहर देश में काम करो। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये था अपडेट जो मैं आपको शेयर किया हूं। और कल मैंने शेयर की थी आपको वीपीएन की न्यूज, तो आप सबको न्यूज अगर सही लगी हो तो मुझे और भी कमेंट करके बता सकते हो उस वीडियो में। दो याद रखें, अपने ख्याल रखिए, आप फॉलो कर लेना, वीडियो शेयर करना। अगर आपके साथ कुछ आपने ऐसा किया है तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर कुछ ऐसा सेपरेट होगा तो मैं आपको कुछ सिस्टम के हिसाब से समझा सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। अल्लाह हाफिज़।